अरे गौ मारी सेवा करो सुधरे जिंदगानी। वृंदावन में पहला हुआ सतयुग, उन्हें बाद आया त्रेता युग, ने त्रेता युग के बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण भगवान रो अवतार हुआ गोकुल मथुरा में। गायो सारी वृंदावन में यदि गोपाल कहलायो, भगवान कृष्ण नो नाम है गोपाल। गोपाल क्यों कहवे कि गायो यानी वे कृष्ण भगवान ने पालती। गायो सारी वृंदावन में गोपाल कहलायो और गौ माता री भक्ति कानो हृदय में ठानी, गौ मारी सेवा करो सुधरे जिंदगानी। 11 साल और 52 दिन तक कृष्ण भगवान गायो सराई जड़े तक पग में पगर की नहीं पहरी। आ इतनी सजनो आज के टाइम में कई लोग एक सा मोरे घरी गाय तो राह जुड़ी है, मोरे घरी गाय तो राह जुड़ी है, पर जीती संत महात्मा कलाकार बतावे ये तो मोरी गांव में परसों नहीं है। 11 साल और 52 दिन तक कृष्ण भगवान गोकुल मथुरा में गायो सराई वृंदावन में यदि उन्होंने नाम गोपाल लागियो। और एक समय की बात है, भगवान कृष्ण नो अवतार हुआ कंस ने जिन बात रो ध्यान पड़ियो कि ओ शेष कलारो अवतार नारायण है और ओ अगर जीव तो रहियो तो मारो काल है। कंस कई प्रकार का प्रयत्न करिया, कभी अगासुर ने भेजियो, कभी बकासुर ने भेजियो, कभी साणूर ने भेजियो, कई कई मोटा मोटा राक्षसों ने भेजिया। एक बार कंस री एक मोटी बहन थी जिनो नाम तो पूतना, बहुत मोटी भयंकर बहन थी, पर पूतना ने भेजी कृष्ण भगवान ने मारवा वास्ते। पूतना आई कृष्ण भगवान रे घरी, एक सुंदर रूप धारण करीने कृष्ण भगवान ने दूध पिलायो और जैसे दूध पिलाया दूध में जहर थो, कृष्ण भगवान वन्नो पूरो जहर सोख लियो और वा राक्षसनी पासो राक्षसनी रो रूप धारण करे धड़ाम से उठे गिर गई ने मर गई। मां जसोदा नंद बाबो होश हो कि आ कोई राक्षसनी नहीं, आ तो कोई मोटी भूतण है। कृष्ण भगवान ने भूतण लागी री, हमें आ भूतण नो मैं तो प्रकोप मिटावणो की कर रियो। यदि मां जसोदा कियो कि ने भूतण लागी री, कोई जाड़ो नहीं लागेला, इन वास्ते कृष्ण भगवान ने गौशाला में लेन जाओ और गारो पूसे नहीं वो कृष्ण ने माथे घुमाओ गारा पूछो अन्नी भूतन उतर जाएला। अब सजनो आ बात रे माता थोड़ा ध्यान दो, जो गौ माता भगवान रा भूत पा उतर एड़ा मोटा मोटा तो थोने न मोने तो नहीं के बाबड़ा ठाकुरिया भूत लगे, पण भूतोर में इती कोई ताकत ही कोनी। जो भगवान रा भूत उतारवारी जो गौ माता ताकत राखे, आज वा गौ माता को कसरो नाळियो में कसरो खाई ने मरेला।
એડિસન કળજુગરી દુર્દશા આવેલા કે વા ભગવાનના ભૂત ઉતારવા વાળી ગૌ માતા આજ ગળી ગળી મે કચરો ખાવીને મરી રહી હે. ધિકાર હે ઇન હિન્દુ પરિવાર મે જન્મ લેવાઓ. આપે ઘરે સુખુ રોટી ખાઈ રહ્યા હો પર વા ગૌ માતા કાસ ને કચરો ને ગંદી ગંદી ચીજો ખાઈને કુતરો પેટ ભરી રહી હે. વણો મે તો નહીં સમજ્યા और आप हो 10 रुपया 50 रुपया दी मैं की घमंड भी मती कजुक साहब. मैं रात जागरण में गयो मैं 2000 रुपया गौशाला में दान करिया. सजनो कोई काम नहीं अवेला ओपे तो 2000 रुपया 4000 रुपया करें की दान नहीं करियो. दान जिन्होंने करिया है उसका नाम आप सुनिए उन्होंने क्या क्या दान किया. अरे पादू जी राठोड़ी राजा संवरी में सटिया જિંદગાની.
घर घर में गाय राखो, घर घर में गाय राखो, पूजो सुबह सामने, और हर हर हिंदू रो कर्तव्य है कि हर घर में गा वेणी सही। अब आप में थी कितना सज्जन है जिनने घर में गा है, अगर सजनो हर घर में गा होती तो आज गायो आप बहुत भाग्यशाली को आपरे घर में गायो है, पर आज गायो री दुर्दशा बहुत खराब है। भैंस आपने रोड माते घूमती नहीं मिलेला, पर आपने कई दुर्दशा में गायो आपने उन रोड माते मिलेला। घर घर में गाय राखो पूजो सुबह सामने, जिन घर में सजनो गऊ माता री पूजा वे, जिन घर में गऊ माता कदी भूखी नहीं रहे, वन्ने शास्त्रों में लिखियो है सजनो वन घर में कदी अन्न और धन री कमी नहीं आवे, वन घर में कदी लक्ष्मी वन घरों जावे नहीं, क्योंकि सजनो जो लक्ष्मी है धन री देवी वो गऊ माता रा गोबर में निवास करे, जो पवित्र नदी है गंगा वो गऊ माता रा गऊ मूत्र में निवास करे। घर में गाय पाली उड़ी वही तो पर घर में जो गोबर वही वो खेत में डालो ला, वनती जो बाजरी निपजे ला, वन बाजरी रोग रोग घर में देवी देवताओं ने धूप लागे ला, तो वो सजनो घर पवित्र वेला। गौ माता रा जो चौना है वन सोनो रोग धूपियो वेला, तो वन घर में यज्ञ परविजित वेला। घर में गाय नहीं और सुबह शाम घर में दीवा धूप कर रही है सजनो, वो दीवा धूप नहीं लागे, घर पवित्र नहीं है। जिन घर में सजनो गा बंदी उड़ी है गारी पूजा वेरी है, वन घर में और वन मंदिर में पसे कोई फर्क नहीं है। और गार में सजनो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता मानी उड़ा है, कई लोग के वेक्षा मोरा 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं है 33 कोटि देवी देवता है। अब सा हर देवी देवता और पूजा करवा जाओगे तो कभी पूजा कर सको, 33 कोटि देवी देवताओं ने भी पूजा कैसे कर सको, पूरे घर है वो तो तस्वीरों को भरी जे, पर सजनो घर में एक गार एक सस्सा मन पूजा भी की दी वे नहीं, तो 33 कोटि देवी देवता हैंग राजी वे जावे। अगर एक गार भाटो पर वायो वे तो 33 कोटि देवी देवता नाराज वे जावे, हाडा हाथ साल तक सनी नहीं उतरे घर में थी, इतनी गाँव में ताकत है। सजनो एक बहुत गहराई में आपने ली जावे रही हो, एक समय मेरी सजनो बात है, एक कोई आदमी तो मैंने हकीकत तो कोई सोरी करी नहीं थी, पर वने माते सोरी रो बहनो आयो है, सोरी रो वने बहनो आयो, वने सोर लेन पुलिस वने पकड़े, पुलिस स्टेशन माते लाई, जज साहब रो आदेश वो कहना इतनी गांव में भयंकर सोरी करी है तो इन्हें फांसी दे दो। बोले ठीक है, जो फांसी रो हुक्म हुआ दूजोड़े दिन फांसी रो फंदा माते ले जायो, गला में फांसी पहराई और फांसी रो वो नियम वे 10 मिनट 15 मिनट वने फंदा में लटकायोड़ो रखे, वन्ने 15 मिनट तक लटकाए और राखी हो, फिर वो नीचे वो टेबल हटाई और वो टाइम वो पास नीचे निकालो और नीचे निकाली और वो तो मरी हुई को नहीं जीव तो सजनो। और एक बार अगर फांसी टल जावे नहीं तो वो वन्ने किस्मत तो वसी, बस दूसरी बार वन्ने फांसी नहीं दे। जज साहब पूछे तो मरी हुई को नहीं किकर नहीं मरी, मैं टेबलों तो निकाली रही थी, सजनो थी टेबल तो निकाली रही थी, पर एक मारे हाथ एक घटना घटी थी, आखिर बात में मार मन घटित नहीं करी, गीता प्रेस गोरखपुर एक पुस्तक के वन में आसी पीओड़ी है, और वन आदमी में घटना कोई हुई थी, वो पहली बार एक पहले सालों पहले वो आदमी जाव तो गा ने कटे कोई रस्ता में कोई कसाई काटे रिया था, वन गा ने वड़े आदमी वन गा ने बसाई थी, वन गा ने मरवा नहीं देती थी, और जिन टाइम वन फांसी रो हुक्म हुआ उन टाइम सजनो भगवान री अड़ी कृपा वे कि वन टेबलों पगो नीसो निकाली और वह गऊ माता आवे वन पगो रे नीचे तक खड़ी रही, जड़ तक वो फंदो वन गला रे में लटकायड़ो राखियो, जड़ तक वह गऊ माता वन पगो रे नीचे तक री वन वास्ते वन फांसी नहीं हुई। सजनो भलो भलो री फांसी भी हटावे गऊ माता, अब वह कितनी ताकतवर वेला, पर आदमी जज पूछियो कि भाई थारी फांसी की करे टिक सा में दूजो तो की ले क्यों नहीं, मारे पगोर हेटे गा उभी थी और गा रो अणिया रो वही जावे रही तो वन गा ने मैं एक बार कसाई रे हाथों थी बसाई थी। जज साहब वन दिन वा नौकरी छोड़ी गौ भक्त बन गया। सजनो तो ऊपर गुण बने तो नौकरियों छोड़ दी तो ऊपर गुण तो गुड़ी मसालो है इसको। सजनो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सको, ऐडा भी कई आपने इतिहास मिलेला गौशाला वास्ते लोगे 10-10 बीघा जमीन भेंट कर दी, लाखों रुपया भेंट कर दिया। हर घर में गाय राखो पूजो सुबह सामने, गौ मारी सेवा सो जग में बनेला ज्ञानी, गाय मारी सेवा करो सुधरे जिंदगानी। Thank you.
गौ मारो आपने मैं एक सीधो सीधो परसो बताओ आतो हाथ भाई साहब मंच पे ओ एंड टू एंड परसो मैंने आतो हाथ आवे बतायो देखो इंसान भूल तो कटी वे जावे खेतर में आई वेला ना री आई वेला भाई साहब कोई करियो और खेतर में कोई गाय आई घरों में तो री आई थी और हाथ में जिमना हाथ में धोखो लियो और गौ माता माते वार कर दियो बहुत गलत काम करियो शाम रो बने गौ माता री पिटाई करी और सुबह वो हाथ भागो रो रहा वो देख लो जीत जाए तो आपने सामने उधर रहने मैंने कैक परसों अगर परसों देखो मैं तो हाथ जीव तो जाग तो उदाहरण इसमें 1% भी झूठ नहीं अब सब आप इनु ज्यादा तो इंसान हो जाया करे इनु ज्यादा आपने चमत्कार देखवा मिले अगर जीव तो जाग तो परिणाम देखना है तो 2 साल घर बैठो कोई काम नहीं करता वो जीव तो जाग तो गौ माता रो परिणाम है अगर परसों करनी देखना है तो परसों 700 अब देख लो सुन लो आप एडो कोई काम कर जो मती भूल ही मत कर जो भाई अणी करियो और फल मिलियो रो और धन्य बात तो है इन्होंने ये तो पाप करिया रे बाद में भी पाप पर का यो इती इता भक्तों हम यहाँ बात करें कई लोग तो देखो आपरी खुदरी प्रशंसा करवा वास्ते आया करे पर एक बार इन्होंने वास्ते जोरदार तालियों स्वागत करो आपरे ऊपर जो पाप लागो तो वो पाप आपरो निवारण देखियो भगवान आपरो निवारण कर दी इती न्यास गंगारे हम ही पाप ने परका यो आई एक मोटी बात है अरे घर घर गाही नाम पूजो सुबे सामने